जय जोहार दर्शक क्रिकेट संगवारी हो, आप मन के फिर से स्वागत है एक नया व्लॉग में। संगवारी हो आज दूसरा जगह लोकेशन अपना दूसरा दिखा थी, दूसरा जगह शूटिंग करत हाँ। तो हम आ गए हैं यहाँ धान ला दिख रहा है, बट हाँ संगवारी हो मतलब थोड़ा नरमी भी इतना दिन बताऊँ आप मन कि हम धान निभाने से करके तो हार्वेस्टर में तो थोड़ा सी धूप अभी दिखा थे ला, तो थोड़ा सा बल्टी कर भी सकर के हाँ संगवारी हो। और हम अपन पा रहे हैं ना ऊपर से लास्ट छोर में हम खुरसुनी रोड है वो साइड में। तो संगवारी जेवन चैनल में हम चैनल सब्सक्राइब नहीं करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए और हर वीडियो की मजा ले सको संगवारी। तो चलो बने रहो ब्लॉग में कंटिन्यू। ए देखिए वाला धान लगा रहा था अभी दे, और अभी छाँव में संगवारी धूप आए नहीं है, थोड़ा थोड़ा यहीं पास पास धूप आए अभी वो दे थोड़ा ये कचड़ा वचड़ा होकर तिमला भी साफ कर रहे हैं। तो अभी धूप है उतना ज़्यादा तेज नहीं है आज, थोड़ा धूप कम है गई और यहाँ पास अभी सूखा धान है तो बिल्ला पलटे पर इसे अगर क्या है दोनों को यहाँ पति देव भी होते साथ में। तो गाड़ी में हम हमारे गाड़ी वहाँ खड़े हो दे उस जगह सामने में खड़े है गाड़ी है और वहाँ गेट है भी वहीं पास खड़े कर दें और बाद फिर भी हमारे मन के काम अभी चला थे। सुनवरियों तो देख सकते कितना मस्त सीता फले हुए है दे, बहुत सारा फल है बहुत मन झड़ गए वहाँ पास बहुत सारा झड़ गए नीचे नीचे में और फले है दे बाकी मन दिख रहा है देख सकते इन्हें फल नहीं दी और ऊपर ऊपर में है बहुत सारा फल फल सब गिर गिर के झड़े थे भी मस्त बागवानी लगे हुए रही हैं। संगवारी हो तो अभी शाम को 5:30 बज गए हैं और मैं किचन के सफाई कर मतलब लिपाई पोताई हो गई वहाँ सामान सेटिंग करो थे संगवारी। तो चलो वहीं चलता हूँ यहाँ की लाइट बंद कर लूँ और किचन के साफ सफाई हो गई है थे अभी पूरा सामान का सेटिंग करना है। चलो दिखाता हूँ आप मैं ये संगर यहाँ से भी स्टार्टिंग करे हूँ और पूरा ये भी अभी सब बम जमाना है नीचे खंड मन में जमाना है और पूरा ऊपर जितने सज्जे हैं मैं पूरा सामान वाला जमाना है फ्रिज में भी जमाना है और ये बर्तन चली भी पूरा जल्दी संगर हम तो यहाँ को बताई होगी देख सकते हो खाली खाली लगत अभी रूम है। संगवारी हो तो ये सामान ला मैं जमा चुके हूँ ये फ्रिज के बचे हैं तो फ्रिज के लिए बाद में जाऊँ बर्तन वगैरह मतलब जमा हुए भी दे गैस लाना बाकी यहाँ गैस सिलेंडर वहाँ है तो बाद में लगा हुआ बर्तन वगैरह मैंने जम गए जाली में और नीचे रेक में भी जम गए। संगवारी हो वाइट वाइट देखा तो पानी रख थे ओके कारण से वैसी हो गए और यदि मैं दिया बत्ती की तैयारी करा था मैं सवा छः हो चुके हैं तो और उस साइड चूल्हा जला थे वे दिखा थे वे। तो चलो संगवारी हो दिया जला था मैं यहाँ संगवारी हो तो मैं बना था अभी बत्ती 5 तो दिया जला था ना मैंने 2-4 ठो घर में 3 ठो घर में 1 ठो बाहर में आंगन के पास मतलब वहाँ जहाँ डायरेक्ट आता हूँ घर एंट्री करता हूँ दरवाजा के पास वहाँ और 1 ठो शंकर भगवान में 1 ठो तुलसी माता में और घर में शिवलिंग के में तो टोटल 5 ठो हो गए थे संगवारी और मंदिर वगैरह में भी पास पास में ना वहाँ भी जला था टोटल कर लिए 5 ठो थे और केम रखें तेल ला केस के वाला कि दिन ले रहा सबसे बताओ ना अभी अलग अलग और आप मन की घर दिवाली काम हो गई पसंद हमारी कमेंट में जरूर बताओ। हमारे यहाँ आज किचन हो के लास्ट हो गई अब कपड़ा धोए बस पोताई वाला काम हो गई है अब सीधा कपड़ा धोए वाला काम कर दो और ओकर बाद दरवाजा मतलब धोबो पोछबो वही काम में संगवारी होगी तो चलो दिए चला अपने चलो संगवारी एकदम दिया बत्ती लेगा तो अपन रूम में तो मैं पहले भगवान मन की पूजा करता हूँ ओकर बाद फिर होती मंदिर साइड। तो चलो बने रहो दिया जला के मिलता हूँ से। गुड मॉर्निंग सुप्रभात राधे राधे संगवारी हो तो अभी 7:15 हो चुके हैं और व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे मेरे संगवारी हो तो अभी व्लॉगिंग करत हूँ कल काम वगैरह करते समय होंगे
तो मैं लेकर आया हूँ। और अभी मैं रोटी सब्जी बन चुके हैं, वहाँ पर सदी जी नाम में रोटी रख ही दे हूँ। और आज मैं बना था सुबह का नाश्ता में पुलाव संगवारी का, तो चलो कट तो कट है सब चीज़ ला जो भी डालना है तेला, तो चलो आप मैंने दिखा था मैं यहाँ फिर संगवारी हो तो मुझे जो भी डालना है पुलाव में वो सब चीज़ रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं डाल हूँ खड़ा मसाला जो है तेला, तो ये देख खड़ा मसाला ऐसे डालना है संगवारी खड़ी खड़ी डेला पीसे नहीं हूँ। और ये साइड है प्याज अदरक लहसुन और मिर्ची, और यहाँ पास है गोभी और गाजर और मटर भी गाँव होते वाला संगवारी ही। मेरे पास शिमला मिर्ची अवेलेबल नहीं थी से, तो बस इतना ही है, तो इतना डाल संगवारी हो। आप मैंने कुछ अलग से बना था होगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। सिंपल से भी बन जाते गोभी, बस में ये थोड़ा क्रिस्पी चटपटा बना था ना, तो फिर ये सब चीज़ ला डाला था संगवारी हो। और एक में कुकर ला चढ़ा रहे हैं, मेरे कुकर में डाल रहे हैं तेल। तो मैं पहले में यहाँ खड़ा मसाला मतलब पहले डालूँ और करवा दे फिर ये सब चीज़ ला डालूँ संगवारी। तो चलो बने रहो, का प्रोसेस कैसे बनाते थे आप मतलब दिखाए, कोशिश करूँ मैं वीडियो के माध्यम से। खड़ा मसाला डाल रहे संगवारी हो, खड़ा मसाला में डाले हो तेज़पत्ती जीरा और देख सकते हो दालचीनी, तो ज़्यादा कुछ नहीं डाले हूँ बस इतना है। और एक छोटे से इलायची, तो इतना ही डाले हूँ संगवारी हो, एकदम ज़्यादा तो मेरे पास मसाला अवेलेबल नहीं थी इसे, सब नॉर्मल से रखे रहता हूँ सभी लोग वगैरह नहीं भी इसे में, तो फिर यही काम चला लेते हैं मेरे। और इसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर डालूँ लहसुन, और पहले लहसुन डालूँ लहसुन और मिर्ची लोकर पर डालूँ। फिर संगवारी का फेमे में डाल रही हूँ फ़ौरन डालने के बाद में गोभी और गाजर, तो मेरे पास शिमला मिर्ची नहीं रही थी तो दोनों डालूँ संगवारी हो। तो अभी कुछ देर पका लूँ और बाद फिर मैं डालूँ ये देखो टमाटर बड़े साइज में, तो पहला डालूँ और बाद फिर नमक वगैरह डाल के थोड़ा सा पका के चावल डायरेक्ट डालूँ संगवारी हो। तो चलो पकन देते हैं संगवारी हो, तो मैं टमाटर डाल चुके हूँ और उसके बाद यदि चावल भी धो कर रख दे तो चावल भी डालूँ। सबसे पहले टमाटर पके के बाद में थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ला डालूँ, उसके बाद फिर चावल डालूँ संगवारी। तो चलो थोड़ा सा पका था उसके बाद फिर थोड़ा गलन दो कर बाद डाल दो चावल और एला संगवारी हो। फाइनली सब वो चीज़ डलाए के बाद में अब हल्का से डाले थे पानी ताकि और अच्छा से मिक्सचर हो जाए, पूरा मिक्स हुई संगवारी हो पानी डालूँ तो तब फिर चावल ला चढ़ाऊँ। फाइनली संगवारी हो हम चावल चढ़ा पानी वगैरह चढ़ा सीधा कुकर बंद करके आ गए हूँ, थोड़ा देर में पक जाइए हुआ 10 से 15 मिनट में, और बाद फिर बाबू मैं तो भी फिर हल्लाऊँ वो साइड बाबू बैठ के रोटी खाते हैं और मैं यहाँ नहा धो के फ्रेश होकर सीधा खाऊँ कबर की मेरा वहाँ नहा खाता था ठीक लगता है, नहा जो भी काम करना है तो नहा कर दो संगवारी हो। तो सब्जी में नहा चौड़ाई भाजी लाल वाला चौड़ाई, और अभी बना थे नाश्ता में पुलाव, ओकर बाद दोपहर में फिर दाल वगैरह और बनाओ दाल चावल। तो चलो संगवारी हो बन ही था, फिर थोड़ा सा अपना और दिखाओ यहाँ अपन काम करूँ संगवारी हो। देख सकते हो मस्त पुलाव बन के हो गए रेडी, ये देख खाओ थोड़ा देर में, तो ये देख मस्त दिखे थे भी बने भी मस्त भर भर ले। तो बाबू के लिए टिफिन में डाल रहा हूँ, बाबू देख ड्राइवर तैयार हो गए स्कूल जा ही अभी हो संगवारी हो। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो गए और पतिदेव चल गए बाबू छोड़े पर, और अभी थोड़ा देर बाद होगी फिर नाश्ता करके संगवारी हो। तो संगवारी हो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ, अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल बनाए हो चैनल ला सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो। और आप मैं किसे बना था पुलाव कमेंट करके बताओ, मैं अपन हिसाब से बना लेती हूँ संगवारी हो, और ऐसे बना था और अच्छा भी लगता और अच्छा भी बनते, तो ऐसे बना था सिंपल से। और डालना है तो बहुत कुछ डाल सकते समय, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ संगवारी हो एकदम ईजी, और टाइम भी बहुत बचत होते चावल से कम टाइम में बन जाते हैं, चावल पका समय लगता है लेकिन कुकर में डाल तो फटाक से बन जाते, कोई झंझट नहीं रहा संगवारी हो। तो चलो संगवारी हो आज तक आज की वीडियो बस यहीं तक के, नेक्स्ट व्लॉग में मिलो संगवारी हो, नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अभी दिवाली आने वाला है तो सब जन दिवाली का भी तैयारी कर रहे थे, बहुत मतलब नज़दीक आ गए और चुनाव भी हो गए ना बहुत से जिला भर में, तो आज है 7 तारीख है तो आज चुनाव है संगवारी हो, और बहुत से मतलब जिला में बाद में है। तो चलो संगवारी हो आज की वीडियो बस यहीं तक के, तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़ धन्यवाद।